भाजपा किसान मोर्चा रैली निकालकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के वादा खिलाफी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने कोतवाली थाना पहुंची। भाजपा किसान मोर्चा ने रैली निकालकर विरोध जताया। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कोतवाली पहुंची, जहां भाजपा ने कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की वादा खिलाफी के खिलाफ एफआईआर करने की मांग की। भाजपा जिला अध्यक्ष बंटी साहू ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, कमलनाथ ने किसानों को 2 लाख का कर्ज माफी, आए बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता के दम पर प्रदेश में सरकार बनाई। सरकार बनने के बाद ना तो किसानों का कर्जा माफ हुआ और ना ही बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता दिया। इस तरह कांग्रेस ने अपने वचन पत्र के दम पर सरकार बनाई, वचन पूरे ना होने के कारण ढह गई। इतना ही नहीं, कांग्रेस के दर्जनों विधायकों ने पार्टी भी छोड़ दी। भाजपा ने किसानों को भावांतर योजना से लेकर कई योजनाएं दी हैं। इस कारण आज भाजपा ने किसानों और आमजनों के दिल में जगह बनाई है। इसके बाद जिला अध्यक्ष बंटी साहू ने कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए दिए गए वचन पत्रों की होली जलाई। समस्त कार्यकर्ता, समस्त नेताओं के द्वारा पूरे जिले के समस्त थानों में जाकर के प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं छिंदवाड़ा के विधायक कमलनाथ जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। 2018 में कमलनाथ जी के द्वारा किसानों को 2 लाख रुपए कर्जा माफ़ी की बात की गई थी, किसानों को 5 रुपए गन्ने में बोनस देने की बात की गई थी, 5 रुपए लीटर दूध में बोनस देने की बात की गई थी और 800 रुपए मक्के में भावांतर देने की बात की गई थी, गेहूँ पर 160 रुपए बोनस देने की बात की गई थी और ऐसी बहुत सारी योजनाएँ किसानों को दी गई के लिए उन्होंने वचन पत्र जारी किया था, लेकिन एक घोषणा भी, एक वचन भी उन्होंने निभाया और किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगे। NBCN न्यूज़ के लिए छिंदवाड़ा से चंद्रशेखर चक्रवार की रिपोर्ट।